जय जिनेन्द्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीना। आज मैं बनाऊंगी समोसा डीला, जिसे आप मैक्सिकन स्टाइल पंजाबी समोसा भी बोल सकते हैं। कैसे डीला मैक्सिकन डिश है जिसमें हम टॉर्टिया यानी रोटी का यूज़ करते हैं, और ये समोसा के लिए स्टफिंग बनाया है वो कच्चे केले का पंजाबी स्टाइल से बनाया है। तो ये इंडियन और मैक्सिकन दोनों डिश का कॉम्बिनेशन करके समोसा डीला बनाया है। और जो भी डीप फ्राई किए हुए समोसा खाना नहीं चाहते हैं उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं समोसा डीला। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे पहले समोसा डीला बनाने के लिए स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 4 कच्चे केले लिए हैं। अब इसे हम 2 टुकड़े कर देंगे और डिब्बे में डालकर कुकर में रख देंगे और इसे हम 3 सीटी लगाकर बॉईल कर लेंगे। अब एक टोप में पानी और आधी टीस्पून नमक डालकर गरम करने के लिए रख देंगे और इसमें आधा कप मटर डालकर इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। और 4 से 5 मिनट में इस तरह मटर उबल जाए तब गैस बंद कर देंगे। अब हम समोसा डीला की रोटी बनाने के लिए आटा लगाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। आधी टीस्पून नमक डालकर आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगाएंगे। ये आटा हमें नॉर्मल रोटी के आटे जैसा ही लगाना है। आप चाहो तो 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल भी डाल सकते हो। और इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगाना है जिससे आटा नरम ना हो जाए। देखिए आटा बांधकर तैयार है। इतना आटा बांधने के लिए मैंने 3/4 कप पानी का यूज़ किया है। देखिए इस तरह आटे को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसल देंगे। अब आटा बांधकर तैयार है तो इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब समोसा डीला का स्टफिंग बनाने के लिए ड्राई मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए छोटे मिक्सर बाउल में 1 टीस्पून साबुत धनिया, आधी टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून जीरा और आधी टीस्पून सौंफ डालकर पहले दरदरा क्रश कर लेंगे। देखिए मसाला क्रश करने के बाद इसमें 4 कटी हुई हरी मिर्ची और 15 से 20 करी पत्ते और थोड़े से हरे धनिया डाल देंगे और इसे भी हम क्रश कर लेंगे। आप चाहो तो धनिया स्किप भी कर सकते हो। देखिए ये मसाला इस तरह दरदरा क्रश करना है। अब यहाँ कच्चे केले भी बॉईल हो चुके हैं तो कुकर में से हम डिब्बे को बाहर निकाल देंगे और ये केले हल्के ठंडे होने के बाद छिलके भी निकाल देंगे। सारे केले के छिलके निकालने के बाद इसे हम स्मैशर से मैश कर देंगे। और स्टफिंग बनाने के लिए कच्चे केले को इस तरह स्टीम में ही बॉईल करना है, यानी डिब्बे में केले के साथ में पानी ऐड नहीं करना है, तो ही हमारा स्टफिंग थोड़ा ड्राई बनेगा। और बहुत ज़्यादा मैश करके एकदम स्मूथ स्टफिंग नहीं बनाना है। एक बार मिक्स कर लेंगे और कहीं बड़े टुकड़े रह गए तो इसे हम वापस एक बार मैश कर लेंगे। देखिए केले को इस तरह मैश करना है कि हल्के हल्के कच्चे केले के इस तरह टुकड़े रखेंगे, एकदम स्मूथ नहीं करेंगे। अब कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। अब ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सूंठ पाउडर और आधी टीस्पून हींग डाल देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे। अब जो हमने मसाला क्रश किया था वो ऐड कर देंगे। ये मसाला ऐड करने से स्टफिंग का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और इसे हम स्लो फ्लेम पर 30 से 40 सेकेंड के लिए सौते कर देंगे। अब इसमें बॉइल्ड मटर ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जो कच्चे केले को मैश करके रखा था उसे भी ऐड कर देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून गरम मसाला पाउडर और आधी टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड करेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है। देखिए सब मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सब मिक्स करने के बाद एक बार टेस्ट कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी और 1 टीस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे। आप चाहो तो चीनी को स्किप भी कर सकते हो और आप अपने टेस्ट के हिसाब से तीखा भी कम ज़्यादा कर सकते हो। अब स्टफिंग बनकर तैयार है तो इसे हम एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने देंगे। तब तक हम आटा को भी चेक कर लेंगे। आधी टीस्पून
ऑयल डालकर आटे को चिकना कर लेंगे और अच्छे से मसल देंगे, जिससे आटा एकदम स्मूथ हो जाएगा। अब इसमें से हम मीडियम साइज़ की लोई बनाएंगे। इतने आटे में से हम 12 रोटी बना सकते हैं। ये रोटी हम नॉर्मल रोटी से हल्की मोटी बेलेंगे। ज़रूरत पड़े उस हिसाब से थोड़ा सूखा आटा लेकर रोटी बेल देंगे। देखिए रोटी बेलकर तैयार है। अब इसे हम रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के लिए मैंने नॉनस्टिक पैन का यूज़ किया है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर पलट पलट कर कच्चा पक्का रोस्ट कर लेंगे। आप चाहो तो नॉर्मल आयरन का तवे का भी यूज़ कर सकते हो। सिर्फ रोस्ट करने वक्त ध्यान रखना है कि रोटी पे एक भी डार्क स्पॉट ना हो। अब रोटी रोस्ट हो चुकी है और इसी तरह मैंने सारी रोटी बनाकर तैयार की है। और यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी और मीठी चटनी बनाई है, जिसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब हम एक रोटी ले लेंगे और इस पर थोड़ी सी ग्रीन चटनी और मीठी चटनी डालकर स्प्रेड कर लेंगे। और जो हमने स्टफिंग बनाया था वो भी ठंडा हो चुका है, तो वो भी थोड़ा डाल देंगे और इस तरह हाथ से थोड़ा स्प्रेड कर देंगे। स्टफिंग पूरी रोटी में अच्छे से स्प्रेड कर देना है। स्टफिंग आप अपने पसंद से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। अब इसी स्टेज पे स्टफिंग अच्छे से स्प्रेड हो जाने के बाद आप चाहो तो चीज़ भी ग्रेट कर सकते हो। अब इसे हम साइड में कर देंगे और दूसरी रोटी पे भी हम थोड़ी सी ग्रीन चटनी और मीठी चटनी डालकर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और पूरी रोटी में अच्छे से चटनी स्प्रेड हो जाने के बाद ये रोटी को हम उल्टा कर देंगे और ऊपर से अच्छे से प्रेस कर देंगे और इसे हम रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के लिए नॉनस्टिक पैन पे थोड़ा सा घी डाल देंगे और ऊपर ये रोटी रखकर इस तरह हाथ से थोड़ा प्रेस कर देंगे और ऊपर भी हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और रोस्ट होने देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब इसे हम साइड चेंज कर देंगे और दूसरी बाजू भी हम मीडियम फ्लेम पर रोस्ट होने देंगे। 2 से 2.5 मिनट के बाद इसे हमें पलटना है और इसी तरह हमें पलट पलट कर दोनों बाजू से रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पे भी रोस्ट नहीं करना है। अब देखिए रोस्ट हो चुका है और बाकी के भी इसी तरह रोस्ट करके तैयार करेंगे। और रोस्ट होने के बाद इसे हम 4 पीस में कट कर लेंगे। देखिए ये ऊपर से क्रिस्प और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनता है। और इतनी रोटी और स्टफिंग में से 6 समोसा डीला बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म जैन समोसा डीला बनकर रेडी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही कम वक्त में बिना फोल्ड किए समोसा का टेस्ट भी मिलता है। तो आप भी मेरी रेसिपी से समोसा डीला एक बार घर पर जरूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।